जय हिंद, जय भारत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी ख्याति क्लासेस में। अक्टूबर से मार्च का सफर, 6 महीनों का अभियान, तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही अच्छा टाइम टेबल। जिस विद्यार्थी ने इस टाइम टेबल को अच्छे से देख लिया और इस वीडियो को भी लास्ट तक आपने देख लिया, समझ जाना आप 100% 90+ मार्क्स आप ला सकते हैं। तो क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12 की सभी विद्यार्थी ध्यान रखिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें कि आपको सफल होना है तो कैसे हो सकते हैं सफल। तो वीडियो को अंतिम तक देखना आपको जरूरी होगा, क्योंकि देखना यहां पे आपके सामने बनाया मैंने अक्टूबर से मार्च का सफर, 90% मार्क्स प्राप्त करने का फॉर्मूला। तो इसको आपने पालना कर ली, यानी आप समझ जाना आप 90+ मार्क्स 100% लाने वाले हो। तो यहां पे अपन बात करेंगे, देखना यहां पे किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो आपके सामने बता रहा हूं, देखना समय की कद्र कीजिए। अगर आज आप समय की कद्र नहीं करते हैं तो आप आने वाला समय आपको बर्बाद कर देगा। जिसने समय की कद्र नहीं की उसको समय ने उसको बर्बाद किया ही होगा, क्योंकि जिसने समय का पालना नहीं की है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। जो बड़े बड़े सफल व्यक्ति हैं उन्होंने भी समय की पालना 100% की होगी। तो जैसे आपको बता रहा हूं कि समय की कद्र कीजिए, अगर आज आप समय की कद्र नहीं करते हैं तो आने वाला समय आपको बर्बाद कर देगा। मित्रों, बर्बाद कर देगा, इस शब्द को अपने शरीर के अंदर, अपने दिलों के अंदर, अपने दिमाग के अंदर नहीं उतारना है। बर्बाद शब्द अपना हट जाना चाहिए। अपने को क्या चाहिए, 90+ मार्क्स चाहिए और अपने को सफल होना है। तो कैसे होते हैं बड़े बड़े व्यक्ति सफल, उन सभी की जानकारी आपको देने वाला हूं। 90% प्लस मार्क्स, 90% प्लस मार्क्स, यानी माँ बाप का नाम आपको क्या करना है, रोशन करना है। माँ बाप का नाम आपको क्या करना है, रोशन करना है। तो सूरज की तरह वही चमकता है जो सूरज को जगाता है, सूरज की तरह वही चमकता है जो सूरज को जगाता है। यानी आपको बात समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने यहां पर स्पेशल आपके सामने लिखा है सुबह 2 घंटे रोज पढ़े। मैंने क्या लिखा है, सुबह 2 घंटे रोज पढ़े। जो सुबह 4 बजे उठकर 4 से 6 बजे तक रोज 2 घंटे जिसने पढ़ाई कर ली, यानी समझ जाना वह सूरज की तरह चमकता है, वह सूरज की तरह चमकता है। तो अब अपन बात करने वाले हैं यहां पर 90% प्लस मार्क्स लाने का। तो बात करते हैं आपको सफल होने का क्या होता है तरीका। क्या सुबह पढ़ना पड़ेगा, क्या दोपहर को पढ़ना पड़ेगा, क्या शाम को पढ़ना पड़ेगा, कितने बजे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कितने महीने पढ़ना है, क्योंकि हम क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, 10 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से हमको करनी होगी तैयारी, वो सभी बात अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखना मेरे मित्रों, यहां पे अपन बात करेंगे, देखना रट्टा नहीं मारे और हर चीज को 3 बार देखी। सबसे पहली बात आपके सामने दिमाग में आपको उतार लेनी है, जिस चीज को आपने रट्टा मार के याद किया वो समझ जाना आप 2 घंटे के अंदर आप भूल जाएंगे, क्योंकि रट्टा मारा हुआ कभी याद नहीं रहता है। इसलिए कहता हूं जो चीज आपको नहीं समझ में आती है उसको 3 बार देखें, 2 बार देखें, 4 बार देखें। जिसका लेवल अच्छा होगा वो 1 बार में समझ जाएगा, जिसका लेवल अच्छा नहीं है वो 3 बार देखें उसको 100% वह चीज समझ में आ जाएगी। तो आपके लिए मैंने लिखा था रट्टा नहीं मारे और हर चीज को 3 बार देखें। तो सभी ध्यान रखें, क्लास 8, क्लास 10 और क्लास 12 के विद्यार्थी, मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है मित्रों। तो यहाँ पे अपन देखना किस समय आपको पढ़ना है। मैंने यहाँ पे 3 गोलियां बनाई है, 3 गोली लेनी है। डॉक्टर ने ओनली 3 गोली ही देते हैं, एक सुबह को, एक दोपहर को, एक रात को या शाम को। तो ये 3 गोलियां आपके लिए रामबाण होने वाली है। तीनों गोलियां कब कब लेनी है, मात्र आपको 7 घंटे का यहाँ पे अभियान देने वाला हूं। दिन के 7 घंटे जिसने पढ़ लिया और लगातार 6 महीने तक पढ़ लिया, वह हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी वह सफल ही होने वाला है। क्योंकि बड़े बड़े लोग बड़े क्यों बनते, उसका कारण मैं आपको समझाने वाला हूं। जिस व्यक्ति ने, जिस विद्यार्थी ने समय की पालना कर ली, यानी वह बड़ा ही कहलाता है, और समय की पालना नहीं करता है वह हमेशा बर्बाद ही होगा। तो आप भी समझ लीजिए, जो बड़े बड़े लोग सफल होते हैं उन्होंने भी समय की पालना की होगी, और समय की पालना करते होंगे,
अभी भी करते होंगे क्योंकि और उनको बड़ा बनना होगा, उनका लक्ष्य और बड़ा होगा। और आपके लिए तो लक्ष्य क्या है, क्लास 8 के अंदर अच्छे मार्क्स लाना, 10 के अंदर अच्छे मार्क्स लाना और 12 के अंदर अच्छे मार्क्स लाना। आपका सिर्फ अभियान मात्र 6 महीने का है और मात्र 7 घंटे का अभियान है। तो आपके सामने बात करने वाला हूं मैं, यहाँ पे देखना, आपके सामने 3 गोलियां मैंने बनाई है, सुबह की, दोपहर की, शाम की। तो किस तरह से आपको लेनी होगी, तो आप ध्यान रखें, सुबह सुबह का समय सबसे बेस्ट समय आपका होता है 4 से 6 यानी कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। कितने हो गए, 2 घंटे हो गए। क्या हो गया, 4 से 6 यानी कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए मित्रों। अब दोपहर की बात करेंगे, दोपहर की बात यहां पे करने वाला हूं मैं, 3 से 3 आपको पढ़ना है यहां पर 5 बजे तक। कितने बजे तक, 3 से 5, 3 से 5 बजे तक आपको पढ़ना है, क्योंकि आप भी स्कूल जा रहे होंगे, क्योंकि आपको समय नहीं मिलता है। तो जो विद्यार्थी स्कूल जा रहा है 3 बजे पहले तो 100% आ ही जाता होगा। तो मैंने आपके सामने ऐसा टाइम टेबल सेट किया है जिससे आपकी स्कूल की पढ़ाई नहीं बिगड़े। तो सबसे पहले 4 से 6 और फिर 3 से 5। और शाम की बात करता हूं, तो शाम को आपको कितने बजे पढ़ना है, शाम को आपको 8 से लगाकर आपको 11 बजे तक पढ़ना है। कब तक पढ़ना है, 8 से 11 बजे तक, यानी कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। यानी सभी का टोटल करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, 7 घंटे। कितने घंटे आएंगे, और जिसने 7 घंटे की पालना कर ली, यानी समझ जाना आपका जीवन सफल हो गया, आपका जीवन सफल हो गया। मैंने आपके लिए 7 घंटे बनाए, लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है और उनको याद नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है क्योंकि रट्टा नहीं मारे और हर चीज को 3 बार देखे। क्योंकि आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें भी ऐसी सब्जेक्ट आपको समय पर लेनी है, जो आपको याद नहीं हो रहा है वह आप सुबह की गोली लें, और जो आपको ज्यादा नींद आती है उस समय, आप दोपहर का समय जो नींद आने का समय हो जाता है, जो अपन थक जाते हैं उस समय में ऐसी सब्जेक्ट लीजिए जिससे आपको इंटरेस्ट हो, और शाम की समय जो आप ऐसी सब्जेक्ट लें जो हल्की हो, यानी हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, ऐसी सब्जेक्ट यहां पर लेनी चाहिए। और याद करने के लिए सुबह का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, 4 से 6 बजे जिसने पढ़ लिया, यानी आपने 5 घंटे जो तैयारी कर ली है, उसके बाद आपने सुबह उठकर 2 घंटे उसको अच्छे से रिवीजन कर लिया, यानी समझ जाना मित्रों, आपका जो लक्ष्य है 90+ का, वो 100% सफल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहां पे, देखो 6 महीने की मेहनत आपकी जिंदगी बदल सकती है, 6 महीने की मेहनत आपकी जिंदगी बदल सकती है। समय चला गया तो कभी वापिस नहीं आएगा, बिल्कुल सटीक बात कही गई है, समय चला गया तो वापिस नहीं आएगा। यानी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, कोरोना महामारी के बाद भी जो तैयारी कर रहे हैं जो मित्रों, उनसे मेरा निवेदन है, आपको सिर्फ 7 घंटे पढ़ना, कोई आपको 12 घंटे का टाइम टेबल देगा, कोई 10 घंटे का देगा, मैं आपको मात्र 7 घंटे का टाइम टेबल दे रहा हूं, वो भी बहुत ही बेस्ट टाइम टेबल है। यानी 4 से 6, 3 से 5, 8 से 11, ये समय की पालना जिसने कर ली, यानी समझ जाना वह भी देश का क्या होगा, एपीजे अब्दुल कलाम होगा। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था, उन्होंने अखबार बेच बेच कर अपने देश के साइंटिस्ट बने थे। उन्हीं की तरह आप भी 7 घंटे की पालना कर लेंगे मित्रों, तो आप भी एक दिन 100% साइंटिस्ट बनने वाले हो, डॉक्टर बनने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, जो आपका गोल होगा वही आप बनने वाले हो। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।